हेलो डियर लर्नर्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमाज इन चाइल्ड साइकोलॉजी, डिफरेंट डिप्लोमाज जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी में करके आप भी टीचिंग के प्रोफेशन में अपने आप को और स्टेबल बना सकते हैं। अगर आपने बीएड किया हुआ है तब तो ये आपके लिए चेरी ऑन द केक का काम करेगा, क्योंकि जो डिप्लोमाज होते हैं वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और स्किल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो हमारे लिए डिप्लोमास काफी यूजफुल होते हैं। पहले भी कई वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि डिप्लोमास क्यों यूजफुल है या फिर कितने यूजफुल है, लेकिन आज के वीडियो में मैं डायरेक्टली आपको इस टॉपिक पे लेके आ रही हूँ कि डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी कितने बेनिफिशियल है। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं या फिर बीएड आप कर चुके हैं तो आपके लिए डिफरेंट डिप्लोमास जो होते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने बीएड किया है तो इसका मतलब है आप एजुकेशन के फील्ड में, स्टूडेंट्स की लाइफ में आने वाले हैं, एक टीचर बनने वाले हैं, तो चाइल्ड साइकोलॉजी आपके लिए ऑटोमेटिक एक सब्जेक्ट हो जाता है। जहां तक आप सभी जानते हैं कि बीएड में चाइल्ड साइकोलॉजी का अपना एक पेपर होता है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है ये, और बहुत डिटेल में आप उसको पढ़ते हैं। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स कि चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो बीएड करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जागता है साइकोलॉजी की फील्ड में आने का, और इस वजह से वो एमए या फिर एमएससी साइकोलॉजी को करना भी चाहते होते हैं। यहाँ तक कि उनके पास बैचलर्स में साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं रहा होता है, बट क्योंकि वो एजुकेशन में इसको पढ़ते हैं, बीएड में इसको पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट अवेक हो जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो चाइल्ड साइकोलॉजी में डिफरेंट डिप्लोमाज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर लेवल्स की बात करूं सबसे पहले तो डिफरेंट लेवल्स पे आप इसे कर सकते हैं। कुछ हमारे पास जनरल डिप्लोमाज होते हैं जिनको करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो 10+2 है वो हो सकता है। दूसरी कैटेगरी है जिसमें आपका ग्रेजुएशन होता है, राइट, यानी कि बीएड भी उसी में काउंट होता है, ग्रेजुएशन या फिर कोई भी ग्रेजुएशन या फिर बीएड। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि मैं अब रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को कि आप चाइल्ड रिलेटेड सब्जेक्ट्स को वहां पे पढ़कर आते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास पीजी डिप्लोमाज होते हैं, ये तो जनरल डिप्लोमाज हो गए। उसके बाद हमारे पास कुछ पीजी डिप्लोमाज भी होते हैं जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्पेसिफिकली एमए होना जरूरी भी होता है। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, फिर ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। पीजी डिप्लोमास कई सारे ऐसे भी होते हैं जो आप सिंपल ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, एमए या फिर किसी भी तरीके के ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी से जब आप डिप्लोमा करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं इसके लिए 1 ईयर का ये कोर्स होता है, 1 ईयर से ज्यादा का नहीं होता है, आपको 1 ईयर में ही क्लियर करना होता है। अगर आप इग्नू में जाके इस कोर्स को करते हैं तो आपको थोड़ा एक्सटेंशन मिलता है, क्योंकि इग्नू का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट अदरवाइज आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर चाइल्ड साइकोलॉजी की डिप्लोमा को ले रहे हैं तो आपका ईयर जो है वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। वैसे भी डिप्लोमा देना इसलिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन में होते हैं और ये स्किल स्पेसिफिक होते हैं। आप चाइल्ड साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे कैसे वर्क किया जाए, बच्चों की एकेडमिक इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए, बच्चों की ओवरऑल वेलबींग पे कैसे वर्क किया जाए, डेवलपमेंट की फील्ड में क्या सीखा जाए, ये सब कुछ जानने के लिए आपको डिफरेंट चाइल्ड साइकोलॉजी के डिप्लोमा करने को मिलते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी और आती है CWSN, जिसे हम बोलते हैं यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चे जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, मींस कुछ उनके साथ मिसिंग होता है जिसे कंप्लीट करने के लिए उनकी जो नीड्स होती है वो स्पेशल बन जाती हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए CWSN की फील्ड में भी आजकल जॉब्स बहुत आ रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं CWSN के लिए, स्पेशल एजुकेटर्स मांगे जाते हैं। तो जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी में डिप्लोमास करते हैं तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि स्पेशल एजुकेटर्स बनने के लिए, गवर्नमेंट फील्ड में जाने के लिए आपका बीएड होना इज मस्ट, बीएड करना कंपलसरी हो जाता है। तो शुरू से इस वीडियो में मैं इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि अगर आपने बीएड किया हुआ है और आप उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी में कोई भी डिप्लोमा लेते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि एक तो ये आपके स्किल्स को एनहेंस करेगा, आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करेगा, आपको एक एक्सपीरियंस देगा कि आप किस तरह से बच्चों के साथ में और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। कि एजुकेशन की फील्ड एक ऐसी फील्ड है, ना केवल वहाँ बच्चा सीखता रहता है बल्कि टीचर भी हमेशा सीखने के प्रोसेस में जुड़ा रहता है। कोई भी टीचर ऐसे नहीं होते हैं जो सब कुछ सीखने के बाद टीचिंग में पहुंचते हैं, वो टीचिंग के प्रोसेस में बहुत कुछ लर्न करते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन करते हैं, और उन्हें पता चलता है कि लर्निंग इज ऑफ कोर्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस फॉर एनी वन ऑफ अस, हम में से किसी के लिए भी। ऑलराइट, तो डिप्लोमाज इन चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके इस कोर्स को चेक कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा भी ले सकते हैं, सिंपल डिप्लोमा भी ले सकते हैं, और उसके बाद आप चाइल्ड साइकोलॉजी से डिप्लोमा करके अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाइल्ड साइकोलॉजी में करियर लेना चाहते हैं, किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाना चाहते हैं, एज अ काउंसलर वर्क करना चाहते हैं, चाइल्ड काउंसलर वर्क करना चाहते हैं, एकेडमिक काउंसलर की तरह से वर्क करना चाहते हैं, बच्चों से रिलेटेड
जितने भी एरियाज हो सकते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग एज वेल, इन सभी में जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ मिलेंगी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में जो डिप्लोमा है वो आपके लिए ऑफ कोर्स बेनिफिशियल है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगी। और आप किन किन यूनिवर्सिटीज में सर्च कर रहे हैं इसको मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट थ्रू माय कमेंट सेक्शन, जहां पर मैं आपको बता सकूंगी कि आप कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ जहाँ से आप बिलोंग करते हैं और फिर आप वहाँ पे इस डिप्लोमा को सर्च कर रहे हैं। ऑल राइट, सो आई विल सी यू सून। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।